इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भाषण का अंश हटने पर राहुल गांधी का बयान, सच्चाई तो सच्चाई होती है, उसको एक्सपंज नहीं किया जा सकता, ये राहुल गांधी ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी जिनका भाषण कल, उसमें कैंची चलाई गई है। अब राहुल गांधी का ये कहना है कि सच्चाई को हटा नहीं सकते। सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, और एक्सपंज करें जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये एक बार फिर से बयान सुनाते हैं, उसके बाद फिर आपके पास मैं लौटूंगा। सच्चाई देखो, जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, उस सच्चाई को लेंस के ऊपर रख लो तुम और एक्सपंज करें जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। हमारे साथ रवि त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। तो राहुल गांधी का यह कहना है रवि कि सच्चाई सच्चाई होती है, उसको एक्सपंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भाषण होता है वो तो एक्सपंज किया जा सकता है, और वो हुआ है। अब बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संसदीय परंपरा के अंतर्गत उसको भाषण को एक्सपंज किया गया है कि, लेकिन राहुल गांधी जो मैसेज देना चाहते थे उससे पीछे नहीं हटना चाहते। इस राहुल गांधी का कहना है कि जो मैंने कहा है वो सच्चाई कहा है और मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूं, इसका मतलब सीधा ये निकाला जाना चाहिए। और राहुल गांधी अपने बयान पर पूरी तरह से कायम है जो उन्होंने सदन में कल कहा था, हालांकि उसको संसदीय कार्यवाही से हटा दिया गया, सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन जनता के लिए राहुल गांधी का मैसेज यही है, उनके अपने समर्थकों के लिए, अपने वोटर के लिए मैसेज यही है कि जो उन्होंने कल कहा है वो उन्होंने अपने मन से कहा है और अपने दिलो दिमाग से कहा है, उसमें कोई गलती उन्होंने नहीं की है। हालांकि आज उनसे सवाल खड़े किए जाएंगे, आज प्रधानमंत्री, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आज प्रधानमंत्री किस तरह से उनके बातों का जवाब देते हैं, इसका इंतजार सबको है, क्योंकि अभी एनडीए की बैठक में रविंद्र बता रहे होंगे तमाम चीजें, तमाम सांसद जो निकल के आए हैं या मंत्री, उनसे हमने पूछा कि प्रधानमंत्री का क्या तेवर रहेगा, आपको क्या उम्मीद है, तो सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले, आज से पहले जो परंपरा रही है, राहुल गांधी अपनी बात कहकर निकल जाते हैं लेकिन बाद में प्रधानमंत्री उनको आराम आराम से उनके हर सवालों का जवाब देते हैं और कहीं ना कहीं उनको फंसाते भी है। तो आज देखिए इंतजार किया जाएगा कि राहुल गांधी भले कल बोल, ठीक है, एक रणनीति दिखती है साफ साफ, रविंद्र कहीं ना कहीं संसद के जरिए अपने जो वोटर है उनको मैसेज देने की रणनीति दिखती है, और इस रणनीति की काट क्या होगी बीजेपी की, ये भी देखना होगा। देखिए अमूमन प्रधानमंत्री का जब भाषण होता है तो पूरा विपक्ष बायकॉट करके चला जाता था, आपने देखा होगा, और प्रधानमंत्री का भाषण जो कंक्लूड होता था वो अपने समर्थक जो सांसद हैं बीजेपी एनडीए के उनके समक्ष ही होता था, पूरा विपक्ष बायकॉट कर जाता था। लेकिन इस बार दूसरी स्थिति होगी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, ये बाउंड है कि वो मौजूद रहे। कल आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम वरिष्ठ जो मंत्री हैं वो नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुनने के लिए मजबूर थे, वहां पर परंपरा का पालन करते हुए खुद नरेंद्र मोदी वहां मौजूद रहे, तो आज राहुल गांधी को मौजूद रहना पड़ेगा, वो बायकॉट करके बाहर नहीं जा सकते, ये परंपरा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राहुल गांधी को देखेंगे और उनके सवालों को जब रवि हिट एंड रन वाली जो आरोप लगते रहे राहुल गांधी के ऊपर कि अपना भाषण देकर के निकल जाते हैं, वो अब नहीं चलेगा। एक बयान आ रहा है, सुनाते हैं राहुल गांधी का। सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, सच्चाई देखो जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, उस सच्चाई को लेंस के ऊपर रख लो तुम और एक्सपंज करें जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है।